नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जिला गुरदासपुर का एक और जाबाज वतन पर हुआ कुर्बान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल उरी सेक्टर में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आकर सेना के 3 जवानों ने दिया शहादत का जाम, जिसमें से एक जवान जिला गुरदासपुर के गांव सिद्धपुर नवापिंड का 26 वर्षीय सिपाही रंजीत सिंह सलारिया, जो 45 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था, वो भी शामिल था। सिपाही रंजीत सलारिया की पिछले साल 26 जनवरी को ही शादी हुई थी और पिछले दिसंबर महीने उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया था, जिसे वो देख भी नहीं पाए और वतन पर कुर्बान हो गए। आज उनकी तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह गांव सिद्धपुर नवापिंड पहुंचने की संभावना है, जहां पूरे सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए जवान के पिता हरबंस सिंह ने बताया कि उन्हें कल शाम को ही फोन आया था कि उनके बेटे की बर्फ में गिरने से मौत हो गई है। टेलीफोन आया जी, उन्होंने कुकवाड़ा आए, उसे ड्यूटी ते बस वो टेलीफोन आया भी इधर का गल रणजीत सिंह की डेथ हो गई। वही मेरा सहारा है, मेरा वही मेरा सहारा है, मतलब खैर कुछ नहीं रहना, वही मेरा बेटा। एक साल है ब्याह, सभी जन्म साल होना बेटी देख आई आए देख तीन महीने नहीं बची है जी, मेरा वो सारा है, मेरा बच्चा है, मेरे बगैर कुछ नहीं है, कल इतने फोन आया 8 बजे फोन आया, तो वो यदी मम्मी ने फोन चुकया, तो वोरी मम्मी ने पूछ लगे भी रणजीत का घर हो सिद्ध पिंड सिद्धपुर तो बोलते हैं, कहती आहो, वो कह लगे भी डैडी ना रणजीत डैडी ना गल करो, तो वह कह लगे भी दे दिल्ली काम करता, वो कह लगे फिर भरा ना गल करा दो, छोटा ब्रदर है खादा, मतलब सीधा सीधा ही है, तो वह गल कराई, तो उन्होंने फोन आया भी इदा वह रणजीत का पैर फिसल गया बर्फ तो वो डैथ हो गई, तो कल अं 12 बजे ना अं आ जाएंगे लै गए। भारतीय सेना की 45 राष्ट्रीय राइफल्स उस यूनिट में तैनात गांव सिद्धपुर के सिपाही रणजीत सिंह सलारिया, जो पेट्रोलिंग करते हुए, जो कुपवाड़ा का माचिल सेक्टर है, पेट्रोलिंग करते हुए वापस आ रहे थे अपने कैंप में, तो अपने चार साथियों सहित वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना शहादत का जाम पी गए। पिछले दिसंबर महीने से लेकर अब तक हमारे 15 जवान जो हैं इस बर्फीले आतंक का शिकार हो चुके हैं। उनका कहना था कि उनका एक ही सहारा था, जबकि दूसरा बेटा मंदबुद्धि है और उनके जवान बेटे की पिछले साल ही 26 फरवरी को शादी हुई थी, जिससे उन्हें 3 महीने की बेटी परी है। सारे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे गांव में शोक का माहौल है, क्योंकि ये परिवार बड़ी ही गरीब हालत में अपना गुजारा कर रहा है। घर में एक ही कमाने वाला था, जो कि अब शहीद हो गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।